हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS, RRB, PO और क्लर्क के बारे में। 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसके पैटर्न के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, क्या कुछ सिलेबस आता है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इसका पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम का, मेंस का और प्री का, दोनों का डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले देखते हैं प्री का पैटर्न। ओके, प्री में आते हैं हमारे दो ही सब्जेक्ट, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, दोनों के दोनों 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 मार्क्स आएंगे, तो टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स होगा। और टाइम जो आपको मिलेगा, कंपोजिट टाइम मिलेगा, ठीक है, 45 मिनट का। आप कैसे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे कि 20 मिनट आपने स्टार्टिंग में दे दी रीजनिंग को, ओके, और बाकी जो 25 मिनट बच गई वो आपने दे दी क्वांट को। ठीक है, वो आपका टाइमिंग के हिसाब से जो भी आपका अच्छा है, जैसे कि किसी किसी का क्वांट अच्छा होता है तो उसमें क्वांट में टाइम कम लगता है तो वो क्वांट को कम टाइम दे सकता है और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे सकता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप सब मैनेज कर लेना। और फिर हम देखते हैं इसमें मेंस का सिलेबस। तो मेंस में ये कुछ है इस तरीके से। मेंस में हमारे पास आ जाते हैं 5 सब्जेक्ट। 5 में से पहले देखते हैं, पहले जो है रीजनिंग, 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, क्या करते हैं कि ये 40 क्वेश्चंस हैं, ओके, और जो एक नंबर का एक क्वेश्चन लगा लेते हैं और जितने भी आपके मार्क्स आए ना उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 50 में से आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड जो आता है आपके पास जनरल अवेयरनेस आता है, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे हम कि जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें करंट में क्या कुछ पूछा गया था, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और फिर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी रीजनिंग की तरह ही होता है, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 1.25 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ठीक है, फिर आता है इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, अगर किसी की इंग्लिश ज़्यादा वीक है और हिंदी ठीक है तो हिंदी आप चूज कर सकते हो इंग्लिश की जगह। ठीक है, वही 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स होंगे। और फिर लास्ट में एक आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन लेकिन उसके मार्क्स होंगे 20 और सारे के सारे मिलाकर के आपका कट ऑफ निकलेगा। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो टोटल जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बन जाएंगे 200। ठीक है, मार्क्स बन जाएंगे 200। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स ही हो गए। और जिसमें टाइम मिलेगा इसमें भी आपको कंपोजिट टाइम मिलने वाला है, सेशनल टाइमिंग नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, 2 घंटे मिलेंगे, कैसे भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप मॉक लगाएंगे पहले और अपने आप पता चल जाएगा कौन से सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होता है इसका। ये है सिलेबस। ओके, जितने भी बैंक एग्ज़ाम है, ये मैंने कोचिंग में गया था मैं एक बार, तो मैंने ली नहीं थी ऑफलाइन, तो उन लोगों ने दिया था मुझे, तो वहाँ का ये है। इसमें पूरा सिलेबस है बैंकिंग एग्ज़ाम का, तो आप देख लीजिए। अर्थमेटिक का है, सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वैदिक मैथ, फिर ये हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन वगैरह, इन चीज़ों में काम आता है। फिर इंग्लिश का ये सारा सिलेबस है। देन उसके बाद फिर रीजनिंग का आ जाता है, वैसे ही सारा का सारा सिलेबस। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई ये, ओके। फिर ये जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ओके। और ये कंप्यूटर का सारा सिलेबस है, देख लीजिए। और वैसे ही पैटर्न भी दे रखा है इसमें। ये आरआरबी का जो मैंने अभी आपको बताया, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40-40 मार्क्स के। ठीक है, और इसी का मेंस है, वैसे ही ये सारा कुछ है। तो ये इसका सिलेबस था, सेम सिलेबस है जो आप बाकी एग्ज़ाम्स का देते आए हैं। ठीक है, तो हमने सिलेबस भी देख लिया, पैटर्न भी देख लिया। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रखें, क्योंकि 3 मंथ ही रहते हैं हमारे पास। ठीक है, और मैं ये लेके चल रहा हूँ कि मोस्टली बच्चों का वो कंसेप्ट तो क्लियर होगा, ये टॉपिक्स उन लोगों ने एक बार तो कर ही रखे होंगे। तो अब उन्हें करना क्या है, जब तक एग्ज़ाम है, ठीक है, दोबारा से वही टॉपिक्स रिवाइज करने हैं 1 बाय 1। एंड देन उसके साथ साथ डेली एक मॉक लगा लेना है। मॉक पता है कि 2023 वाले अभी मत लगाना, क्योंकि अभी लगाओगे तो वो अभी ख़त्म हो जाएंगे। बाकी के जो पिछले साल के ना 22 के टेस्ट बुक पर मिल जाएंगे आपको, 2022 के, वो आप लगा लेना। ठीक है, तो आपके 23 वाले बचे रह जाएंगे और 22 वाले भी लग जाएंगे। तो इतना ही 30 मॉक्स पड़े हैं उसमें, तो 30-30 लगाएंगे तो 30 आरआरबी क्लर्क के, 30 उसके हैं पीओ के, तो काफ़ी ज़्यादा मॉक्स हो जाएंगे। 2 महीने तक का हमारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद तो प्री की हमें 2023 वाला हम लगा सकते हैं। तो एक तो ये करना है, हमें मॉक्स लगाने हैं 2022 वाले। टेक्स्ट बुक पर आपको मिल जाएंगे ये लोग, सारे के सारे मिल जाएंगे आपको 22 वाले, वो लगाने। और आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ना मिले तो मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है अपना, उसमें पीडीएफ अवेलेबल करवा रखी हैं, तो वहाँ से आप पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी सारी टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ी है। 2 चीज़ें हो गई। फिर भी आपको अगर कंटेंट कम लगे तो आप क्या करना कि यूट्यूब पर चले जाना, यूट्यूब पर जाकर अड्डा 247 सर्च करना, वहाँ से आपको डेली प्रैक्टिस करवाते हैं वीडियो में। तो वीडियो आप कंटिन्यू मत करना, सारी की सारी पूरी वीडियो मत देखना, डाउनलोड करके या फिर उसको सीख करके आगे निकाल के जल्दी से सिर्फ क्वेश्चन करना। जो क्वेश्चंस ना आए आपको, उनका सॉल्यूशन देख लेना। तो इससे क्या होगा, आपको सॉल्यूशन का सही तरीका भी पता चल जाएगा, किस तरीके से हमें सॉल्व करना था, और हमारे क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। ठीक है, 3rd नंबर पे जाना है वाईटी पर, वहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो इतना इनफ है, मॉक्स हो जाएंगे। और ट्राई करना कि है ना, अल्टरनेटिव डेज पर आप थोड़ा बहुत मेंस का भी करते रहो, और मेंस के 2022 वाले टेस्ट बुक से ही लगा लेना, वो भी आप लगाते रहो। ठीक है, ये कुछ हमारी स्ट्रेटजी है। डेली हमें प्रैक्टिस करनी है, जो स्पीड मैच जो होने वाला है और डीआई वगैरह, पजल वगैरह, वो हमें डेली सोल्व करनी है। पजल लगा कर चलना डेली, जो है 5 से 10, आप जितना भी आपको कैपेसिटी है कर सको उतनी कर लेना। डीआई आपको करनी है, ये भी 5 से 10 जितनी भी मिले। और डीआई के लिए अगर आपको नहीं मिले तो या तो बुक परचेज कर लेना, वरना ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है। और एक काम और करना, आप अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से डेली क्विज होती हैं उधर, तो क्विज से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा कंटेंट। ओके, उसमें पजल्स भी काफ़ी होती हैं, डीआई भी होती हैं काफ़ी सारी, और सिंप्लीफिकेशन, ये सब चीज़ें हो जाती हैं उसमें, काफ़ी सारा मटेरियल हो जाता है। ठीक है, तो सोर्सेज भी मैंने इसी में आपको बता दिए हैं कहाँ से लेना है। सोर्सेज एक तो टेलीग्राम हो गया, दोबारा बता देता हूँ एक बार, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वाईटी पर मिल जाएगा। ठीक है, और क्विज लगा लेना अड्डा के ऐप से, ये सब चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें थी। और आपको बता दूं कि करंट के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, कंप्यूटर के लिए भी। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।